सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो है वो है हमारा दिल। जी हाँ, हमारे हार्ट का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्यों जरूरी है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसका सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा जो हार्ट है ये सबसे ज्यादा एक क्रिटिकल मसल है, एक नाजुक मांसपेशी कह लीजिए, जो हमेशा हमको अलाइव रखती है, हमेशा हमें जीवित रखती है। ये कभी भी छुट्टी पे नहीं जाता, धड़कता रहता है, हमेशा धड़कता रहता है, हमेशा लाइव रखता है हमको। अगर आपको पता लगे, अगर आज आप ध्यान दें, जो हमने आज से पहले शायद कभी दिया हो या शायद ना दिया हो, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि हेल्थ को लेकर जो इस समय सीरियसनेस अब चल पड़ी है वो बहुत जरूरी है। हमारा दिल, एक इंसान का दिल पूरे दिन में 1,00,000 बार धड़कता है। क्या हमने कभी हाथ ऐसे लगाकर उसकी हार्ट बीट को चेक किया? हम ज्यादातर केसेस में जब भी कोई ऐसी चीज होती है, चैलेंज होता है, तो वो तभी होता है जब तो कोई मेजर इशू ना बन जाए। हमारा दिल पूरे दिन में 1,00,000 बार धड़कता है। और यही नहीं, हमारे हार्ट का जो काम है वो पूरे बॉडी में ब्लड की प्रॉपर सप्लाई देने का काम है, इसलिए ये कभी रुकता नहीं है। एक पंपिंग मशीन की तरह पूरे दिन इधर से उधर, ऊपर से लेके नीचे तक, हर जगह ये ब्लड की सप्लाई को पहुंचाने का काम करता है। साथ में अगर हम बात करें किसी बिजनेस या किसी फैक्ट्री की, अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट वर्किंग करने वाला अगर कोई ऑर्गन है, सबसे ज्यादा प्रेशर या वर्क लोड जिसके ऊपर होता है 24 घंटे 7 दिन, वो हमारा दिल ही होता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि, सोचो किसी दिन दिल ने ये बोला कि मैं जब से आपके बॉडी में आया हूं तब से लेकर आज तक, आज मैं 30, 35, 40 जो भी आपकी उम्र है, अगर आपका दिल ये बोले कि जब से आप पैदा हुए तब से मैं आपकी बॉडी में काम करता आया हूं, मैं थक गया हूं, मेरे को 3-4 दिन की छुट्टी दे दीजिए, इज इट पॉसिबल? मैं जानता हूं आपके चेहरे पे एक स्माइल है, लेकिन हाँ ये बहुत जरूरी है। 24 घंटे 7 दिन जो एक ऑर्गन जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, आप सोचिए उस पर कितना वर्कलोड होगा और वो कितना ज्यादा बिना किसी डिमांड के सिर्फ और सिर्फ हमें बड़ी चीफ सप्लाई देता रहता है, हमारे लिए काम करता रहता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में आज बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में कार्डियोवैस्कुलर नंबर 1 बनता जा रहा है सबसे ज्यादा डेथ रेट के लिए। डेथ रेट के लिए सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर केसेस देखे जा रहे हैं, जो डेथ रेट देखी जा रही है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से देखी जा रही है। अप्रोक्सीमेटली 17.9 मिलियन पीपल, आप 17.9 मिलियन का मतलब होता है 1,80,00,000 के लगभग हर साल जो लोग हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से उनकी डेथ होती है। अप्रोक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड का 31%, 31% लोगों की डेथ पूरे वर्ल्ड में अगर होती वो हो रही है तो 31% जो रोल है वो उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का है। साथ में अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 75% से ज्यादा, 75% से ज्यादा डेथ रेट उन कंट्रीज में है जो लो इनकम है और मिडिल इनकम कंट्रीज है, 75% से भी ज्यादा। और यही नहीं, 85% जो कार्डियोवैस्कुलर डेथ देखी जाती है उसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का सबसे बड़ा रोल होता है। ये बातें आज हमें सोचने के लिए बड़ा जरूरी है और हमें इस पे विचार भी करना चाहिए। बेसिकली हमारा ध्यान जब तक यहाँ पे नहीं जाएगा तब तक हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं। और इंडिया के अंदर अगर हम देखें जो मृत्यु दर है इस समय, जो इंडिया के अंदर भी जो मृत्यु दर देखी जा रही है, जो मोर्टैलिटी रेट देखा जा रहा है, वो सबसे ज्यादा जो लीडिंग है उसके अंदर करने वाला वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। सो हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण क्या है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो कारण है, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर एक बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज आप समझिए थोड़ी सी। हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में मल्टीपल टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो मल्टीपल कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल हैं ये धीरे धीरे हमारी आर्टरीज और वेन्स की चारों दीवारों पे चिपकना चालू हो जाते हैं, जमना चालू हो जाते हैं, और धीरे धीरे जमते जमते ये प्लाक का रूप धारण कर लेते हैं। प्लाक को अगर मैं बोलूं हिंदी में तो एक नुकसानदेह परत जो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और ये जो परत है धीरे धीरे प्लक, ये जो प्लाक है इसके जमने से क्या होता है, ये हमारी जो आर्टरीज और वेन्स का साइज है ये नैरो हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती। अब यहां पर बात ये आती है, बेसिकली ब्लड सप्लाई और ब्लड सर्कुलेशन करता गया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं हमारे शरीर में जब ब्लड सर्कुलेशन रन करता है, जब ब्लड रन करता है तो वो अपने साथ दो चीजें कैरी करता है, एक होता है ऑक्सीजन, दूसरी चीज होती है न्यूट्रिशन।
जब तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता तब तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की सप्लाई हर सेल तक नहीं पहुंच पाती। आप सोचिए जिस रोड के ऊपर काफी स्पीड से 100 किलो मतलब 100 की स्पीड से अगर कोई व्हीकल जा रहा है, अगर वहां पे जाम लगना चालू हो जाए तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। सेम लाइक दैट क्या है, प्लाक जमने की वजह से वो साइज नैरो होने लगता है या ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की सप्लाई वीक हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो सप्लाई है वो रुक जाती है। प्लाक कई बार बस्ट भी हो जाता है। ब्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो बस्ट को अगर बोले तो इसको विस्फोटक कहा जाता है। ये कई बार क्या होता है, इतना हार्ड हो जाता है जो कि ये क्लॉट का रूप धारण कर लेता है और हमें फ्यूचर में बड़ी बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में अगर बात करें तो उसका कारण क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज और उसके अलावा जंक फूड, फास्ट फूड जो हम आज के डेट में जो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। इसके अलावा जो कारण देखे जाते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लोग आजकल मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी और जीरो हो गया है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, साथ में अल्कोहल का ज्यादा इंटेक और कम नींद आना, ये चारों वो कारण है जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हर इंसान के शरीर के अंदर अपना घर बना लेता है। अब यहां पर ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए जो एक सबसे बढ़िया जो सोल्यूशन है वो है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो फैटी एसिड एक वाइटल सेट है। वाइटल मतलब एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट और नेसेसरी होता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। साथ के साथ साथ ये जो फैटी एसिड्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली हमारे जो सेल्स हैं उनके चारों ओर जो एक तो हमारी मेम्ब्रेन्स है उसको मेम्ब्रेन्स को हेल्दी रखने का काम करते हैं, उसको प्रोटेक्टिव रखने का काम करते हैं। साथ के साथ फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और साथ में उसको वार्म रखने का भी काम करते हैं। तो फैटी एसिड अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत एक रिजल्ट दे सकता है। फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन आपके सामने है, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान सा है, आप इसको समझेंगे तो शायद आपको अपने स्कूल टाइम्स की कुछ क्लासेस याद आ सकती हैं। फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन आपके सामने दी हुई है, दो फैटी एसिड होते हैं स्पेसिफिक, टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स होता है जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड और दूसरा होता है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होता है ना जमने वाला, सैचुरेटेड होता है जमने वाला। अगर मैं आपसे बात करूं सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जमने का काम करता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ये गुड हेल्थ को प्रमोट करता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो हमारे शरीर को जो हेल्दी रखने का काम करते हैं वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और जो हमारे शरीर में जमने का या हमारे ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं वो बेसिकली काम क्या काम करता है, सैचुरेटेड फैट काम करता है। आइए थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं, बेसिकली फैटी एसिड की जो क्लासिफिकेशन है वो है क्या, जो भी जो फैट रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड रहता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये हमारी बॉडी में LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज करने का काम करता है। ओके, इनके जो फूड सोर्स होते हैं वो मीट है, ओके, एनिमल फैट जिसको बोलते हैं, होल मिल्क जो अपने मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा कोकोनट या पाम ऑयल, ये सारी चीजें उसी में आती हैं। और जो फैट रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहता है उसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, जिसमें वेजिटेबल ऑयल्स है, कॉर्न है एंड ऑलिव ऑयल है। व्हाट आर द ओमेगा 3 फैटी एसिड, अब हम आपसे बात करने आ रहे हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट फैटी एसिड के ऊपर, जो आज की डेट में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी सारी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि हमारी विकसित देश है वहां पर इस समय कंपलसरी हो गया है हमारे डाइट के अंदर ओमेगा 3 का होना। बेसिकली ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसको कहा जाता है, और गजब की बात ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए जरूरी तो होता है लेकिन हमारा शरीर इसको बना नहीं सकता, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारे लिए असेंशियल फैट तो है इसलिए हमें इसको अपनी डाइट में बाहर से इसकी आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहां पर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बताया जा रहा है, जिसका नाम है ALA, EPA और DHA। ALA जनरली प्लांट्स जो है उनके अंदर मौजूद होता है, लेकिन EPA और DHA की अगर हम बात करें तो मोस्टली देखा जाता है एनिमल फूड्स लाइक फैटी फिश के अंदर, ये काफी रिच फॉर्म में पाया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये हमारी ह्यूमन सेल्स की मेम्ब्रेन्स को काफी अच्छा रखता है, उसका एक मेजर रोल इसके अंदर हमारे ह्यूमन सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
साथ में हमारे ब्रेन, हार्ट एंड मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने का काम, बहुत सारे बेनिफिट्स पहुंचाने का काम ओमेगा 3 फैटी एसिड करता है। और यही नहीं, इसके अलावा ये सिर्फ यही काम नहीं करता, ये हमारी आईज के लिए, ब्रेन्स के लिए और जॉइंट फंक्शन में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखा जाता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट देखा जाता है। सो बेसिकली जनरली ओमेगा 3 फैटी एसिड को सिर्फ पर्टिकुलर इन्हीं चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक बहुत ज्यादा अगर कोई हेल्थ बेनिफिट्स देना चाहते हैं तो बिग हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी लाइफस्टाइल में आपका ऐड करना कंपलसरी होता है। ओमेगा 3 ओमेगा 9 फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट करता है हेल्दी कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। आज जैसे ही एक इंसान अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराता है, जैसे ही उसके हार्ट के टेस्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड तो बढ़ा हुआ मिलता ही मिलता है। और ये क्या काम करता है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल को बैलेंस रखने का काम करता है। वंडरफुल, इसका जो रिजल्ट है ये अपने आप में गजब है। आगे बात करते हैं सपोर्ट मेंटल हेल्थ। आज की डेट में कहते हैं जनरली इंसान किसी वैसे बीमार हो या ना हो, उसे कोई हेल्थ इश्यूज हो या ना हो, लेकिन कहते हैं कि इंसान का शरीर बूढ़ा नहीं होता, उसका दिमाग बूढ़ा होता है ना। कहते हैं शरीर नहीं थकता, उसका दिमाग थकता है। एंजाइटी, फोबिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और उस मेंटल हेल्थ के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए, अपने ब्रेन को अच्छा रखने के लिए जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। साथ में वेट मैनेजमेंट, यस वेट मैनेजमेंट, यहाँ पे वेट रिड्यूस या फैट बर्नर या किसी स्टेरॉइड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर वेट मैनेजमेंट की बात हो रही है। मतलब आपके हाइट के अनुसार आपका एक वेट होना चाहिए। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये उसके ऊपर भी काम करता है। साथ में हमारा आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज जो देखा जा रहा है, ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम देखी जाती है लीवर का फैटी होना। लीवर के फैटी होने में भी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो डिक्रीज करते हैं इसको, और लीवर को काफी हेल्दी रखने का काम करते हैं। साथ में जॉइंट फंक्शन, प्रॉपर जॉइंट फंक्शन, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे जितने भी शरीर में सर से लेकर पांव तक जितने भी जॉइंट्स हैं उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। इंफ्लामेशन में बड़ा अच्छा काम करता है। साथ में अल्जाइमर्स, जो जिनकी याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना एक अल्जाइमर हो जाता है चीजें रख के भूलना। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं एक बात करूं एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं घर परिवार में कहीं ना कहीं अगर छोटी मोटी कोई बातें होती हैं तो उसमें सबसे ज्यादा रीजन यही होता है कि इंसान चीज को रखता कहीं हो रहा है और उसको ढूंढता कहीं हो रहा है। तो ये जो भूलकर रखने की बीमारी है या दाश वीक होने का जो चैलेंज है या फिर इसके अलावा कोई और ब्रेन से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज है, तो वहां पर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। और एक बात इसमें लिखी हुई है, डेमेंशिया। ये जो डेमेंशिया है इसकी अगर हम बात करें तो ये किस्म का पागलपन, पागलपन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अपने सेंस में ना होना, तो वहां पर भी क्या है ब्रेन से कनेक्ट करता हुआ है ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ये वहां पर बड़े अच्छे रिजल्ट्स करता है। साथ में आपको जानकर ये खुशी होगी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है एस्थमैटिक सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, हेल्प्स प्रिवेंटिंग एस्थमा। कहते हैं दमा जो है वो दम के साथ जाता है, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेकर एक इंसान अपने एस्थमैटिक सिचुएशन में भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकता है। यही नहीं, सपोर्टिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में बड़े सारे सिस्टम है जिसमें एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका काम होता है ब्लड रक्त संचार को प्रॉपर करके रखना। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हेल्दी रखने का काम करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे इन्फेंट्स हैं, जो बिल्कुल नवजात शिशु हैं, ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू साइंस, थर्ड मंथ में जब कोई हमारे घर में प्रेग्नेंट होता है तो तीसरे मंथ में बच्चे के मेजर ऑर्गन बिल्ट होना स्टार्ट होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो ब्रेन होता है। और ब्रेन की डेवलपमेंट में ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बात करूं तो बहुत से जो हमारे न्यूरो डॉक्टर्स हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो न्यूरो बच्चे होते हैं, न्यूरो पेशेंट्स होते हैं, तो वहां पर उनकी सभी मेडिसिन के अंदर एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का प्रोडक्ट भी एड ऑन होता है। तो ये अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही यूनिक सी चीज है। मतलब अगर वहां पर हम इसको चालू करा देते हैं तो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी हेल्पफुल होता है। आगे बात करते हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर हार्ट एंड हेल्थ। ये दो प्रोडक्ट जो आपके सामने हैं, स्पेसिफिक इनका जो कनेक्शन है सीधा सीधा हमारे हार्ट और ब्रेन से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक हमारे वंडरफुल यूनिक प्रोडक्ट, एक बैलेंस सप्लीमेंट जिसका नाम है फॉरएवर आर्कटिक सी। जी हाँ, ये जो पीछे आपको सी नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, अगर आप इस सी की पावर को महसूस करना चाहते हैं अपने हाथों में तो फॉरएवर आर्कटिक सी के इस प्रोडक्ट को यूज करके आप उसे फील ले सकते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें 75% अप्रोक्सीमेटली 75% फिश ऑयल है, बाकी इसके अंदर ऑलिव ऑयल है।
फिश ऑयल एंड ऑलिव ऑयल होने से क्या हुआ है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ईपीए और डीएचए तो है ही, लेकिन ऑलिव ऑयल की वजह से इसमें ऑलिक एसिड है, और कहा जाता है हार्ट के लिए ऑलिव ऑयल को संजीवनी बूटी कहा जाता है। और आज देख भी रहे होंगे हर घर परिवार के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से ऑलिव ऑयल की एंट्री हो चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक ऐसा सप्लीमेंट जो कि ईपीए और डीएचए जो कि अनसैचुरेटेड फैट है, उसका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में अपने कॉम्बिनेशन के लिए जानी जाती है। वी आर द मास्टर इन अ कॉम्बिनेशन, हमारे पास कॉम्बिनेशन की मास्टरी है। यहाँ पर ईपीए और डीएचए होने से हमारे रेगुलेटरी फंक्शन के लिए आप एक बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं व्हाई फॉरएवर आर्कटिक सी, आखिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के आर्कटिक सी को ही क्यों यूज किया जाए, तो सबसे पहली मैं आपको बात बताना चाहता हूं, वी आर द लीडर इन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 42 इयर्स ओल्ड का एक्सपीरियंस रखती है, 160 कंट्रीज के अंदर हम लोग अपने आप को साबित कर चुके हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स किसी एक कंट्री में पर्टिकुलर रिसर्च एंड आरएनडी के साथ नहीं आते, ये 159 टाइम्स चेक होने के बाद इंडिया के अंदर आते हैं। अगर मैं दूसरी कंट्रीज की बात भी करूं तो वहीं पर भी ये सिलसिला होता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को जब डिजाइन किया जाता है तो 159 कंट्रीज की हेल्थ मिनिस्ट्री के सभी स्टैटिक्स को ध्यान में रखा जाता है। फॉरएवर आर्कटिक सी उन सभी चीजों को फॉलो करता है। साथ में अगर मैं बात करूं एसेंशियल फैटी एसिड्स का एक संपूर्ण बेस्ट कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, जो मैंने आपको बताया, इसमें ऑलिक एसिड भी है, डीएचए भी है, ईपीए भी है, जो कि एक बैलेंस अमाउंट में आपकी बॉडी को मिलता है। सपोर्ट बाय साइंस, थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च इस समय बोलती है कि इस समय डेली रूटीन के अंदर फिश ऑयल की कंजप्शन कंपलसरी है जस्ट बिकॉज ऑफ ईपीए एंड डीएचए। ये दो चीजें ऐसी हैं जो एसेंशियल फैटी एसिड तो हैं, और साइंस बोलता है एसेंशियल है, बॉडी बना नहीं रही है तो आपको इसकी आउटसोर्सिंग करनी ही पड़ेगी, और तभी डाइटरी सप्लीमेंट्स का यहां पर एक नाम आता है। सो व्हाई फॉरएवर आर्कटिक सी, दिस इज द रीजन हम रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाने में बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से हम 160 कंट्रीज में अपने आपको 42 ईयर से अपने आपको स्टेबल कर पाए हैं। हम जाने जाते हैं रिजल्ट्स के लिए, हम जाने जाते हैं अपना एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए। साथ में हम बात करते हैं फॉरएवर आर्कटिक सी एडवांस न्यूट्रिशन, ये एक एडवांस न्यूट्रिशन है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, द सी इन द पाम ऑफ योर हैंड। अगर आप एक समुद्र की, पूरे समुद्र की ताकत को महसूस करना चाहें तो आप इस प्रोडक्ट से वो महसूस कर सकते हैं। अगेन फॉरएवर आर्कटिक सी फीचर अवर एक्सक्लूसिव ब्लेंड ऑफ फिश ऑयल इंक्लूडिंग ऑलिक एसिड, साथ में ईपीए एंड डीएचए। और साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पे एक परफेक्ट हारमोनी है, ये एक अच्छी हारमोनी है ईपीए और डीएचए ओमेगा 3 फैटी एसिड की, जो हमारी बॉडी की में जो लैकिंग है उसको कवर करने का काम करता है। आइडियल प्रोपोर्शन इन एन इजी टू टेक सॉफ्ट जेल, एक आइडियल प्रोडक्ट है, सिंपल सॉफ्ट जेल के रूप में है, आप डेली रूटीन में एक कैप्सूल इसको लेकर आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ओमेगा 3 फैटी एसिड सपोर्ट वेलनेस, ये बेसिकली वेलनेस एरिया को बहुत कवर करता है। अगर आप, दो इंडस्ट्री है, एक है सिकनेस, एक है वेलनेस। अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं, अगर आप कभी भविष्य में बड़ी बड़ी हेल्थ चैलेंज को गुड बाय करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको वेलनेस में बनाए रखता है, आपको बीमार होने वाली कैटेगरी में जाने से रोके रख सकता है। सो ये एक बहुत अच्छा है, ये एक मूड एलिवेटर भी है, ये मूड्स पे काम करता है, इमोशनल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। और सबसे अच्छी बात अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक जो बैलेंस जो एक हमारा है वो ओमेगा 3 का आपको मिलता है। साथ में अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के ऊपर, तो यहां पर आप तीन जो आपके 3 सॉफ्ट जेल हैं आप डेली रूटीन में ले सकते हैं, लगभग 20 सॉफ्ट जेल के बारे में बात हो रही है। यहां पर टोटल फैट 1 ग्राम है, सैचुरेटेड फैट 0, ट्रांस फैट 0, टोटल कार्बोहाइड्रेट 0, शुगर 0, प्रोटीन 0, विटामिन ई 0.7 mg है। विटामिन ई के बेनिफिट भी आप यहां से ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड 375 माइक्रोग्राम इसके अंदर है, तो ये आपको बेनिफिट इससे मिलता है। ईपीए डीएचए काफी रिच फॉर्म है एंड ऑलिक एसिड, ये आपको काफी रिच फॉर्म मिलता है। ये हमारी पूरी क्लैरिफिकेशन है इस प्रोडक्ट की, इंक्लूडिंग ऑलिक एसिड के जितने भी बेनिफिट्स आपको इस समय ऑनलाइन देखने को मिलते हैं, या फिर वो ईपीए और डीएचए के, वो सारे बेनिफिट्स आप इस सिंगल सप्लीमेंट को यूज करके आप ले सकते हैं। आगे बात करते हैं हु कैन यूज, कौन इसे यूज करना चाहता है, पूरे फैमिली में कोई भी इसको यूज कर सकता है, जो भी ईपीए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेनिफिट लेना चाहता हो। सिंपली यहां पर लिखा हुआ है आप 1 सॉफ्ट जेल ले सकते हैं, 3 टाइम्स डेली ले सकते हैं इसको, 3 बार। आप इसको एक्सीड में यूज मत कीजिए, जो भी रिकमेंड डोज होनी चाहिए सिर्फ उसके अंडर इसको यूज करना चाहिए। स्टोरेज की अगर हम बात करें, कूल एंड ड्राई प्लेस में आप इसे रखिए, मेडिसिनल यूज के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें बेस्ट बिफोर 24 मंथ, जो भी इसकी डेट होती है लगभग 24 महीने मैन्युफैक्चरिंग डेट से, आप इसको उस 24 मंथ में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं।
प्रोडक्ट कोड हमारा है 039, एमआरपी है 2200 एंड सीसी है 0.132। दिस इज अवर फॉरएवर आर्कटिक सी। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपकी कंप्लीट बॉडी के लिए, जो एसेंशियल फैटी एसिड है, जो हमारी बॉडी को डेली रूटीन में चाहिए लेकिन बॉडी उसे बना नहीं पाती, आप सिंपल इस प्रोडक्ट को यूज करके एक बैलेंस डाइट अपनी बॉडी को दे सकते हैं। सो अब मैं आपको आपके एक दूसरे जगह पर लेके जाना चाहता हूँ, एक दूसरा स्थान जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो आज की डेट में वो वही स्थान है जहां पर एक अच्छा अमाउंट हमारी बॉडी पे खर्च होता है, और वो है हमारे जॉइंट्स। जी हाँ, फॉरएवर एक्टिव एचए, अगर मैं बात करूं, ये एक एडवांस नेचुरल जॉइंट हेल्थ सपोर्ट के बारे में बात हो रही है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करना चाहता हूं, देखिए फॉरएवर एंड एक्टिव के बारे में आपको पता होगा, बट ये एचए क्या है, एचए को समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली ये एक वंडरफुल प्रोडक्ट है जो काफी समय से अदर्स कंट्री में यूज हो रहा था, लेकिन आज फाइनली ये हमारे इंडिया के पास है, और जॉइंट पेन मैनेजमेंट का वंडरफुल प्रोडक्ट है। बेसिकली एचए जो है, एचए की जो फुल फॉर्म है उसे बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड अगर मैं बात करूं तो ये जनरली हमारी बॉडी में इटसेल्फ प्रेजेंट होता है, और सबसे ज्यादा इसका जो देखा जाता है ये हमारी आईज में एक फ्लूड के रूप में देखा जाता है, और हमारे जॉइंट्स में जो फ्लूड होता है वहां पे देखा जाता है। ओके, तो जॉइंट्स में बेसिकली कुशन के रूप में ये काम करता है। कुशन के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एक लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है, जिससे हमारे लुब्रिकेंट हमारी जो बॉडी, हमारे जो मोबिलिटी है हमारे जॉइंट्स के बीच में, कुशन वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंटम रहे, प्रॉपर तरीके से उनकी मोबिलिटी रहे, मूव ऑन करते रहे वो। So, वो जो स्पेस है, उस स्पेस में जॉइंट्स जो हमारे जोड़ों के बीच में स्पेस है, वहां पे जो ल्यूब्रिकेंट है उसको ये हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं कि बेसिकली जो हमारा जो एचए है, हाइलुरोनिक एसिड की अगर हम बात करें, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखा जाता है, और साथ में जैसे जैसे हमारे जो बीच में, हमारे जॉइंट्स के बीच में जो कुशन है, जो ल्यूब्रिकेंट है, वो जैसे जैसे हाइलुरोनिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी में हाइलुरोनिक एसिड लेस होने लगता है, उसकी कमी होने लगती है, और वो कमी होने की वजह से क्या होता है, वो कुशन और वो जो ल्यूब्रिकेंट है वो ड्राई होता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स आपस में टकराती है, और वहां पर फिर स्टार्ट होता है एक पेन, एक अनकंफर्टेबल पेन आपको महसूस होता है। फॉरएवर एक्टिव एचए जो डिजाइन किया गया है वो हाइलुरोनिक एसिड काफी अच्छी फॉर्म में इसके अंदर है, साथ में अगर मैं बात करूं इसमें जिंक काफी अच्छे फॉर्म में है। इसमें एक प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है जिसको बोलते हैं कर्क्यूमिनोइड्स। कर्क्यूमिनोइड्स की अगर हम बात करें, कर्क्यूमिनोइड्स जो है बेसिकली जनरली जितनी हमारी टर्मरिक है, जैसे हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो हल्दी से ही इसको यूज किया गया है। हल्दी के बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, हल्दी के आप जितने बेनिफिट देखे जाए वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। एक अच्छी बात अगर मैं बात करूं तो ये एक जिंक और जिंजर एक्सट्रैक्ट होने की वजह से क्या है, एक अच्छा सप्लीमेंट है मूविंग के लिए। साथ में अगर मैं बात करूं, हाइलुरोनिक एसिड तो इसमें है ही, साथ के साथ इसमें ये जो टर्मरिक प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, बड़े अच्छी अच्छी जगह पर काम करता है। आगे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, एक इनोवेटिव फॉर्मूला है जो कि हाइलुरोनिक एसिड के साथ तो है, लेकिन यहां पर ये जो हाइलुरोनिक एसिड के बारे में बात की जाती है, जनरली ये स्किन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। उसका रीजन क्या है, आप जनरली कोई भी वन ऑफ द बेस्ट अगर आप प्रोडक्ट्स देखते हैं तो उसमें कहीं ना आपको बहुत सारी जगहों पे ना हाइलुरोनिक एसिड सुनने को मिलेगा। बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड क्या काम करता है, ये जो हाइड्रेशन जो होती है, मतलब जहां पे ड्राइनेस बहुत आ जाता है, ये 1000 times जो वाटर जो है उसको स्टोर करने की ताकत को बढ़ा देता है, मतलब पानी रोकने की जो क्षमता होती है उसको 1000 times इंक्रीज कर देता है। और जब हमारी स्किन पर 1000 times हमारा जो मॉइस्चराइजिंग रहेगा तो वो काफी हेल्दी रहेगा। सेम लाइक दैट, आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट को जॉइंट से तो कनेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन आप हमेशा यंग दिखने के लिए भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में पावर ऑफ कर्क्यूमिनोइड्स तो है ही, जिंजर एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, जिंक इस समय मार्केट के अंदर काफी डिमांड में है। इस समय पेंडेमिक के दौरान जिंक जो है ना, लोगों को समझ में आ गया है कि जिंक का रोल क्या है, और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है जिंक पर बहुत ज्यादा टारगेट करके बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फॉरएवर एक्टिव एचए आपको हाइलुरोनिक एसिड भी प्रोवाइड कराता है, साथ में टर्मरिक प्रॉपर्टीज भी देता है, जिंजर के भी बेनिफिट्स देता है। ये सारे बेनिफिट्स आपके सामने समय मौजूद हैं। आपने कभी एक ऑयलिंग मशीन देखी, वेल ऑयल मशीन होता है, वेल ऑयल मशीन मतलब मशीनरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो जितनी अच्छी ऑयल्ड होगी उतना ज्यादा उसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होगी। सेम लाइक दैट, इस प्रोडक्ट को यूज करके एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह आप अपनी बॉडी को फील दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्क्यूमिनोइड्स के ऊपर बात हो रही है। कर्क्यूमिनोइड्स जो है एक एक्टिव कंपाउंड्स है, टर्मरिक जो है ना फैमिली है, मतलब यहाँ पर एक फैमिली है टर्मरिक्स की,
जो एक्टिव कंपाउंड्स के रूप में देखी जाती है, जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे काम की जाती है। अगर हम टर्मरिक की बात करें तो आपने कई बार देखा होगा कि लोग उसका ना हल्दी का लेप लगाते हैं जॉइंट्स पे, शोल्डर पे, बैक पेन में, इसका हम टॉपिकली मतलब इसको हम बाहर से भी अप्लाई करते हैं। तो टर्मरिक का ये बेनिफिट है। साथ में ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। बेसिकली टर्मरिक जो है वो क्या करता है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वहां पे जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे मसल्स काफी टेंस हैं, तो उनको रिलैक्स करने का काम ये करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, देखिए इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, एंटी मतलब रोधी, तो ये सूजन रोधी भी है। इसमें इन्फ्लामेशन जो है ना एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जिंजर एक्सट्रैक्ट। तो ये इन्फ्लामेशन को भी कंट्रोल करता है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे ज्यादा देखा जाता है। एंड मैं ये बोलूंगा कि जॉइंट्स की अगर हम बात करें ना, तो जॉइंट्स का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे जोड़ों से नहीं है, हमारे घुटनों के दर्द से नहीं होता है। परमपिता परमेश्वर ने सर से लेके पांव तक जहां जहां पर भी हमारी हड्डियों के जोड़ बनाए, अगर ये मेरी फिंगर है, अगर ये भी इस समय मूव ऑन ऐसे कर रही है, तो जहां जहां पर ये छोटे छोटे जॉइंट्स से है, हमारा जो स्पाइन है, हमारा जो रीढ़ का हड्डी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी बैकबोन है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत जगह होती है हमारे शरीर की। तो यहां पर भी आपने देखा होगा ना C1, C2, C3, C4, L4, L5 की जो सारी चीजें हैं, जहां जहां पर परमपिता परमेश्वर नेचर ने जॉइंट्स दिया है, तो वहां पर एक कुशन, वहां पे एक कुशन एक लुब्रिकेंट है। और अगर वहां पे कुशन लुब्रिकेंट है, तो वहां पे हाइलोरनिक एसिड्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे जोड़ों से नहीं, सर से लेके पांव तक जो भी हमारे जॉइंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा कंबाइंड, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। ये एक बैलेंस प्रोडक्ट है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। फॉरएवर एक्टिव एचए की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे पूरा, आप इसको पूरे दिन में 2 सॉफ्ट जेल इसके आप ले सकते हैं। ओके, साथ में अगर हम बात करें टोटल फैट, आप इसमें देख सकते हैं सैचुरेटेड फैट 0 है, ट्रांस फैट 0 है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट आप देख सकते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड 0। बेसिकली हम बात करें तो जिंक एक अच्छी क्वांटिटी में है, हाइलोरनिक एसिड रिच फॉर्म में है, कर्क्यूमिनोइड्स 19 mg के आसपास इसके अंदर है। तो ये हमारे पास एक वंडरफुल प्रोडक्ट है, जो आप अपने घर परिवार में इसको देखकर एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। हु कैन यूज, एनीवन, आप किसी को भी फैमिली में इसको दे सकते हैं, जो भी इसके एडवांस बेनिफिट लेना चाहे, जॉइंट्स के लिए काफी अच्छा है। हाउ टू यूज, पूरे दिन में 2 सॉफ्ट जेल आप एज ए डायटरी सप्लीमेंट ले सकते हैं। ओके, डू नॉट एक्सीड रिकमेंड डोसेज, जो रिकमेंड डोसेज है उसको आप एक्सीड मत कीजिए, ओवर मत कीजिए। स्टोरेज कूल एंड ड्राई प्लेस में रखिए, बच्चों से दूर रखिए, नॉट फॉर मेडिसिनल यूज। इसकी जो एक्सपायरी होती है वो लगभग 48 महीने तक है, 48 मंथ तक है। अगर आपके घर में ये है तो आप 48 महीने तक, जब तक सील पैक है, आप इसको आराम से 48 मंथ तक आप इसको रख सकते हैं, बट रखने के लिए नहीं, आपको इसको यूज करना है। ओके, प्राइस जो है वो हमारा प्राइसिंग जो है एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉड 264, लगभग 2865 का MRP है, एंड CC जो है इसका 0.174 है। फॉरएवर एक्टिव एचए एक एडवांस नेचुरल जॉइंट्स हेल्थ सपोर्ट, ये हमारे कंप्लीट बॉडी में जो हमारे जॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग जो इसमें बेनिफिट्स हैं स्किन से रिलेटेड, वहां पर आप इन दोनों चीजों का बेनिफिट बहुत अच्छे से ले सकते हैं। सो गुड हेल्थ स्टार्ट विथ पावरफुल न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन की बात नहीं हो रही, पावरफुल न्यूट्रिशन की बात हो रही है। आज कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आप बहुत सारे न्यूट्रिशन का लेकर एक चलन आ चुका है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको जब भी एक बेस्ट क्वालिटी, एक बेस्ट पावरफुल न्यूट्रिशन एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको आना पड़ेगा, तो एक 42 years old एक्सपीरियंस्ड कंपनी जो कि 160 countries के लोगों को अपने प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट दे रही है, हमारे पास 42 सालों का एक्सपीरियंस है सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सेगमेंट के ऊपर। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स के दम पर है कि हम पिछले 42 सालों से 160 देशों के लोगों को, उनकी ऑडियंस को बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट दे पा रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी सक्सेस का राज है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं क्वालिटी में, हम प्योरिटी में बिलीव करते हैं, हम जाने जाते हैं हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स के लिए, हम जाने जाते हैं केयर एंड प्रॉमिस ऑफ गुड हेल्थ के लिए, हम जाने जाते हैं बेस्ट स्टैंडर्ड दैट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री कैन ऑफर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हम रिक्वायरमेंट है वो आपकी आपकी हेल्थ के लिए और आपके परिवार के हेल्थ के लिए हम वर्क करते आते हैं। ओके, सो अगर मैं अब आपसे बात करूं, तो यहां पर मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि आज हमने जो बात की, सबसे पहले मैंने शुरुआत में आपसे बात की हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण 2 स्थानों के बारे में। आज हमने जाना एक हार्ट के लिए कि हमारा हार्ट हमारे शरीर में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, और उसको हेल्दी रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम ताउम्र अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो हमारे हार्ट का और हमारे जॉइंट्स का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी, एक ऐसा ऑर्गन हमारी बॉडी में है
जिसके बिना जीवन नहीं है, और एक ऐसी जगह है जिसके बिना जीना भी कोई जीना नहीं। जोड़ों में दर्द आ जाए तो इंसान कहीं जा नहीं पाता, जॉइंट्स से रिलेटेड। आज हमने जाना फैटी एसिड्स के बारे में कि किस तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। आज हमने जाना कि किस तरीके से हमें एसेंशियल फैटी एसिड की हमेशा आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी, ये कभी भी हमें खाने से नहीं मिलता। और आज हमने जाना एचए के बारे में, जिसमें हाइलोरनिक एसिड का कितना बड़ा रोल है हमारे जॉइंट्स के बीच में, जो कुशन है, ल्यूब्रिकेंट है उसको हेल्दी रखने के लिए। सो दिस इज द फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, एक बात अंत में इस मीटिंग को क्लोज करने से पहले, मैं मनोज चौहान आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात के ऊपर, चेक योर सेल्फ टूडे फॉर बेटर टूमारो। चेक योर सेल्फ टूडे फॉर बेटर टूमारो। अगर आप भविष्य, अपना कल बहुत बेहतर रखना चाहते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अपने अपने कल को, अगर आप पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस धरती पर अगर एक बिजनेसमैन को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है तो उसका हेल्दी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर एक हाउसवाइफ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहती है तो उसका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है तो उसका हेल्दी रहना जरूरी है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पे अगर किसी भी इंसान को डायमंड मैरिज तक भी जाना है ना, तो उसका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है हेल्थ ऑलवेज फर्स्ट, हेल्थ इज वेल्थ। सो